खबर कांकेर से, कांकेर से खबर जहां पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव का सेमीफाइनल का दौर जारी। सावित्री मंडावी के बेटे ने लिया नामांकन फॉर्म। सावित्री के लिए प्रस्तावकों के साथ लिया नामांकन फॉर्म। कांग्रेस से टिकट की प्रबल दावेदार है सावित्री मंडावी। कलेक्टर लगभग 30 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन फॉर्म, जहां पर पहले ही सर्व आदिवासी समाज ने किया था ऐलान। उम्मीद है कम से कम 400 आदिवासी भरेंगे नामांकन। तो इस पर हमारे साथ संवाददाता विधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधान, ये जो भारतनपुर सीट को लेकर जो बात कही जा रही है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी का नाम सामने आ रहा है, इसके द्वारा नामांकन फॉर्म लिया गया, इसको लेकर क्या जानकारी? विधान अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही? जी, देखिए बताना चाहूंगा, कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर यहाँ पे जो है तैयारी जोरों शोरों पे है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो उपचुनाव है उसको लेकर यहाँ पे जो सावित्री मंडावी है, उनके जो लड़के हैं वो कलेक्टर में नामांकन लेने के लिए, नामांकन फॉर्म लेने के लिए पहुंचे हुए हैं दलबल के साथ। दरअसल आज 15 तारीख है और उनके पिताजी का जन्मदिन था आज के दिन, तो उनका कहना है कि आज का दिन शुभ माना जाता है, इसीलिए वो आज नामांकन फॉर्म लेने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पे नामांकन फॉर्म कलेक्टर में कलेक्टर से लिए हैं। आपको बता दूं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव अभी जो 5 तारीख को है, 5 दिसंबर को होना है और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। हालांकि इस संबंध में आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस से, मतलब कांग्रेस से जो है, कांग्रेस से जो प्रबल जो नाम सामने आ रहा है वो सुमित्रा, सॉरी माफ करना, सावित्री जो मंडावी है उनका नाम बताया जा रहा है, जो प्रबल नाम है, दावेदार है, वही उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। और अगर हम भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा से जो ब्रह्मा नेताम है उनका नाम आ रहा है, जो कि पूर्व जो यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। और आपको बता दूं कि आदिवासी समाज द्वारा, सर्व आदिवासी समाज द्वारा पहले ही ऐलान कर दिया था कि पूरे जो यहाँ पे सर्व आदिवासी समाज है, पूरे गांव से, यहाँ पे प्रत्येक गांव से एक एक लोग जाएंगे और नामांकन फॉर्म लेंगे और निर्दलीय जो चुनाव है उसकी तैयारी करेंगे। विधान, अगर इसके साथ ही बात की जाए तो जिस प्रकार से अगर इस बार की चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से इस बार के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो ज्यादातर सामाजिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो क्या सावित्री मंडावी के द्वारा भी जो ऐलान किया गया था उनके द्वारा भी यही बात की गई थी कि हम जो है इस बार सामाजिक मुद्दे मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी इस चुनाव को लेकर, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अभी भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में जो मनोज मंडावी थे, सावित्री मंडावी के पति थे, जिसका निधन हो चुका है, उसके बाद जो ये उपचुनाव हो रहा है और इनमें जो मनोज मंडावी है वो भानु प्रतापपुर के लिए एक विकास पुरुष माने जाते थे। और अभी विकास की बात करें तो सावित्री मंडावी ने भी कहा है कि मेरे जो पति है वो यहाँ पे काफी विकास किए हैं और विकास की बात कर रहे हैं, और जो विकास यहाँ पे नहीं हुए हैं उस विकास को लेकर मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगी और आने वाले समय में एक बस्तर के लिए, और ये कि भानु प्रतापपुर जो विधानसभा है उसके लिए एक बेहतर कार्य करूंगी। जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद विधान। तो आपको बता दें कि इसको लेकर भरतानपुर सीट को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी के द्वारा नामांकन फॉर्म जाएगा।